नमस्कार प्रणाम। आज अचानक बिना बताए लाइव आवे के जो सरप्राइज हम आप सबके देले बानी एकरा खातिर क्षमा चाहतनी। आज एक बहुत ही खुशी भरा दिन बा पूरा देश खातिर हमनी खातिर। माँ और बाप एगो दिन आवेला मदर्स डे, एगो दिन आवेला फादर्स डे। सबसे पहले आप तमाम बंधु भाई मित्र साथी सबके पिताजी के हम प्रणाम करतनी, और जे भी जहां बा स्वस्थ होके और आप सब अपना माता पिता के ख्याल हमेशा रखब। और आज के दिन बस यह मानब कि एक सूर्य की तरह तप के एक बाप अपना बेटा के परवरिश करेला, और यह चलते अपने जीवन में पिताजी के कितना महत्व होला और शायद आज फादर्स पहला फादर्स डे ऐसा हमारे बीतता जब पिताजी नहीं थे हमनी के बीच में, लेकिन वहां का आशीर्वाद हमारा साथे बा और बहुत मिस करते हम पापा के। लेकिन आप सभी के हमारा तरफ से फादर्स डे के बहुत बहुत बधाई। बाप के साया ऐसा चीज है कि जीवन के कोनो भी रुआ मोड़ पर हब कितना भी तकलीफ हो जाए कुछ भी हो जाए तो माई और बाबूजी दुए गो ऐसा नाम होला जहां आदमी जाके शेयर करेला, जहां कोनो बात रखेला, कोनो बात कहेला। तो आप सबके बस ये फादर्स डे के बधाई रहे। हम सोचनी है कि आज अचानक आप सबसे लाइव मिली और बिना बताए चाहे बिना एकर कोनो सूचना दिए। हो सकेला कि हम मानते नहीं कि बहुत सारा बेटा कमात भी हुई है, बहुत सारा बेटा बेरोजगार भी हुई है, लेकिन जे भी लड़का बा आज के दिन ये कहते कि अपना पिताजी के एक जरूर प्यारा सा तोहफा आप सब गिफ्ट करब जे भी जहां बा। माँ बाप तो दिन रात 24 घंटा हमनी के पेट पालते बड़े, हमनी के जीवन रक्षक बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी जीवन में होता है कि एक खुशी का दिन आता है कि उनके लिए हम कुछ करें। तो आज फादर्स डे है तो पिता और माता बस साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तो आप सभी लोग अपने पिताजी का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और कोशिश कीजिए कि कभी उनको तकलीफ ना हो। लाइव में तो हमेशा अपनी अपनी बातें हम लोग रखते हैं या अपनी अपनी बातें बताते हैं। जी रोहित पांडे बाबू, बिना बताए ही हम लाइव आ गए। हमको बड़ा फील हुआ कि मैंने अभी पोस्ट किया कुछ देर पहले कि पापा के बारे में कि मिस यू पापा, बट मुझे लगा कि चाचा हैं, पिती हैं, मिर्जापुर जाने के लिए हर किसी हर बाप बापी होता है तो हम कहां अकेले हैं। उन सभी पिता को हम प्रणाम कर लिए जो सभी हमारे मित्र भाई साथी के पिताजी हैं। सबका आशीर्वाद शायद हमको मिले, सबका दुआ आशीर्वाद मिले और हम कुछ ना कुछ अच्छा करें। बहुत बहुत बढ़िया बानी भाई, एकदम सब लोग के दुआ आशीर्वाद से बहुत बढ़िया बानी। और एगो छोटा सा बात और बा, पता ना शायद कुछ देर पहले हमारा डिजिटल टीम जो काम करेला वो एगो पोस्टर पोस्ट कैले रहे कि एगो दू से तीन महीना पहले हमने गाना गाया था, शायद जो हमें सुनते हैं, जो हमें प्यार करते हैं उन लोगों को पता भी होगा।
उस गाने का नाम था पुदीना, पुदीना टाइटल था। मैं और शिल्पी राज ने 3 महीना पहले एक गाना गाया था, उसका वीडियो वेब कंपनी से रिलीज हुआ था। तो आज उसको 3 मिलियन का एक पोस्टर आया, 30 लाख लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, तो उसको पोस्ट किया गया। तो कुछ गधे और चमचे टाइप के लोगों ने मैसेज किया है कि से आपने गाना का कॉपी कर लिया, अरे गधे चमचे, अरे अनपढ़ गंवार, बेवकूफ बिना माथा का आदमी। मां सरस्वती के आशीर्वाद से आज तक राकेश मिश्रा सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करता है, और मुझे गुस्सा आके तब बोलना पड़ता है जब तुम लोग इतने अनपढ़ गंवार हो कि जिस वीडियो को बोल रहे हो कि हम उठा लिए हैं, उस वीडियो का रिलीजिंग डेट जाके देखो कि कितने तारीख को वेब कंपनी से वो गाना रिलीज हुआ है। आज से 3 महीना पहले पुदीना गाना गा चुका हूँ, पवन पांडे ने लिखा था और शंकर सिंह का म्यूजिक था, और उसका वीडियो 3 महीना पहले रिलीज हो चुका है, जिसका टाइटल था पुदीना और वेब कंपनी से ही आया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो गधे हैं, अकल के अंधे हैं, जो इतने अनपढ़ गंवार हैं, इतने कुत्ते जैसा बात करते हैं, चूतिया जैसा बात करते हैं, उनको डेट नहीं पढ़ने आता है कि किसी भी कलाकार के ऊपर क्लेम लगाने के पहले नीचे डेट तो पढ़ो, रिलीजिंग डेट क्या है, हाँ? तुम्हारे बाप का जागीर है टाइटल। राकेश मिश्रा कभी नहीं बोलता है बाबू मेरे, और तुम जितने लोग ग्रुप बनाकर लगे हो ना राकेश मिश्रा के पीछे, अभी 2 दिन पहले मैंने बोल दिया कि जात पात पे गाना नहीं गाना चाहिए, किसी का नाम धर के गाना नहीं गाना चाहिए, तो तुम लोग दुनिया भर के गंदे गंदे मैसेज मुझे भेज रहे हो। क्या मैंने गलत बोल दिया, मैंने क्या गलती बोल दिया, मुझे कोई बताए? लाइव में जितने मेरे मित्र साथी हैं, जितने भी भोजपुरी सुनवाइयां हैं, अगर आपको कभी भी लगता हो कि राकेश भाई आपने ये बात गलत बोल दिया, तो मैं क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन क्या मैंने गलत बोल दिया? तुम लोग 4, 5, 10, 20, 50 चमचे रेडी हो गए हो और चमचागिरी में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। पुदीना का 3 मिलियन का पोस्टर रिलीज हुआ तो तुमने नीचे लिखना शुरू कर दिया कि ये गलत बात है राकेश जी, आप किसी का टाइटल मत उठाइए। अबे चुतिया अनपढ़ गंवार गधा साले, तुमको देख नीचे डेट नहीं देखते हो कि गाना कितने तारीख को रिलीज है? तुमको डेट दिखता है कि नहीं कि गाना कितने तारीख को रिलीज है? इस दुनिया में YouTube पे जितने गाने रिलीज होते हैं ना, उनका डेट जाके देखा करो कि किसका गाना कब आया है। तुम नीचे मैसेज लिख देते हो कि आप कॉपी कर लिए टाइटल, तुम 3 महीना पहले का गाना तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग खेमा बना लिए हो कि बस राकेश मिश्रा को टारगेट करना है? ना मैं किसी को कुछ बोलता हूं, ना ही किसी विषय पर मेरी कोई लेना देना होता है। मैं आज भी सिर्फ सरस्वती के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से अपना मेहनत करता हूं। तुमको पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी हमको करना होगा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इंडस्ट्री में हम सबके गार्जियन, हम सबके बड़े भाई पवन भैया जैसा कलाकार है, जिनकी बातों को सुनने के बाद, जिनका आवाज सुनने के बाद, जिनके गीत सुनने के बाद कम से कम सुकून होता है दिल को। हम लोग की तो हिम्मत ही नहीं है उनके सामने एक शब्द कुछ बोलने की, चाहे वो उनके लिए कुछ बोलने की। सिंगर आदर्श पांडे जी, गाने के लिए मैं लाइव ही नहीं आया हूं। मुझे तो ये बुरा लगा कि क्या मतलब भोजपुरी
सुनवैया इतने अनपढ़ गंवार हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता है कि गाना किसका रिलीज है और कब का रिलीज है। 3 महीना पहले गाने का रिलीज का मुझ पे कॉपी का इल्जाम लगा रहे हो बिना मतलब का फालतू का। कोई अब शब्द बोलता नहीं है मेरे भाई, लेकिन मूर्खता की हद पार कर दिए हैं कुछ लोग जो ग्रुप बना के और टारगेटिंग कर रहे हैं मैसेज में। आपको खुला चैलेंज दे दे रहा हूं, जिनको लग रहा है ना कि पुदीना गाना आज राकेश मिश्रा गाए हैं, वो 3 महीना पहले गा चुका हूं वेब से, और आप जाके डेट और टाइम देख लेना और उस गाने को सुन लेना। भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से जरूरत नहीं पड़ता है इधर उधर ताकने झांकने की, अपने मेहनत पे भरोसा है। सारे लोग बोलते हैं तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग जैसे कि तुम्हारे हव हैं, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि भाई साहब जैसे सारे दर्शक कहीं ना कहीं भोजपुरी के एक एक लेवल की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी गीत संगीत अच्छा होना चाहिए, तो मैंने यही तो बोला, मैंने यही तो सभी जो भी कला सांस्कृतिक और जितने भी नेता मंत्री से बात किया, मैंने यही तो प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले नाम और काष्ठीयता पे गीत संगीत बंद होना चाहिए। उसमें तुम लोग मुझे टारगेट करने लगे भाई, मुझे मैसेज कर रहे हो कहाँ चलिएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, काहे नहीं जात पात पे गाना आएगा, काहे नहीं नाम पे गाना आएगा। तो भाई तुम हमारे टीम नहीं ना हो कि हम तुमको पाल रहे हैं चमचा, हमको चमचागिरी नहीं चाहिए। हमारे साथ 40 करोड़ 45 करोड़ भोजपुरी परिवार, माँ बहन चाचा भैया भाभी हैं, तुम्हारे जैसे 50 लफुओं की हमें जरूरत नहीं है जो दिन रात ग्रुप बना के और टारगेट करोगे। और राकेश मिश्रा के विषय में कुछ भी बोलने के पहले डेट और टाइम जरूर पढ़ लेना कभी भी गाना रिलीज होगा तो, क्योंकि तुम जो चमचे हैं ना उनको भी बता रहा हूं, तुमको भी अच्छे से पता है, जाके भगवान पे हाथ रख के अपने दिल से पूछ रहा कि तुम कितने घटिया हो, और तुमको अच्छे से पता है चमचे लोगों को कि ये आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं कभी किसी को कोई अपना न्यूज बनाने के लिए और किसी को कुछ नहीं कहता हूं कि मेरा सपोर्ट कीजिए चाहे मुझे थी कीजिए, मैं 40 करोड़ जनता पे अभिमान रखता हूं भोजपुरी के, कि ये 40 करोड़ 45 करोड़ यूपी बिहार सहित देश और विदेश में बैठने वाले हर एक भोजपुरी का जनता जो जहां है जैसे है वो इंसाफ करेगा हमारे लिए। तुम्हारी क्या जरूरत है इंसाफ करने की, मुंह उठा के सुबह सुबह सारा गधे की तरह मैसेज करते हो कुछ भी, क्यों गुस्सा नहीं आएगा, क्यों गुस्सा नहीं आएगा। मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टूडियो में काम करते हैं 24 घंटे 10-10 दिन एक एक गाना पर मेहनत करते हैं, तब एक गाना लेके आते हैं और तुम बोल देते हो कॉपी कर लिए। और राकेश मिश्रा बेटा कॉपी भी करता है ना तो अपने अंदाज में करता है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे अंदाज में कॉपी करने की भी। हम कॉपी भी अगर करेंगे ना, अगर मन करेगा कॉपी करने का तो हमारा अंदाज होगा, किसी का एक शब्द तक नहीं उठाता हूं। और भविष्य में अगर किसी गाना को गाता भी हूं तो हर बात रख दे रहा हूं, कंपनी जब डिसाइड करके बोलती है कि सर हमारे यहां एक अच्छा गाना है आप गा सकते हैं तो मैं गाने का प्रयास करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, किसी का बिना बताए कोई चीज नहीं उठाता हूं। तुम सोचते हो कलाकारों में कंफ्यूजन पैदा कराओगे, पवन सिंह पूरे कलाकार बिरादरी के गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, दिनेश जी बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी बड़े भाई हैं, खेसारी जी जो भी है सभी रिस्पेक्टेड है और सबकी इज्जत करता हूं करता रहूंगा, वो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं तो बोलता हूं कि मुझे पवन सिंह का अभिमान है,
और जितने लोग ये सलीलता अश्लीलता चिल्ला रहे हैं ना, जरा धूप में आके झंडा लेके घूमिए तो समझ में आएगा। घर में बैठ के छतरी के नीचे से मोबाइल पर लिखला से कुछ ना होला। इतिहास बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं इसी तरह बोलता हूं तो लोग बोलते हैं ना कि राकेश फिर 100 गो नीच बनेगा कि राकेश मिश्रा भड़क गए उखड़ गए। भाई मेरे पे जब सवाल उठाते हो ना तो मेरे से कैपेसिटी रखो बात करने का। मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूं कि ऑन मंच आके कभी भी बात कर लेना किसी भी विषय पे। माँ बाप के आशीर्वाद से आई कम बिकम स्टूडेंट हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। आज तक जो भरम में हो ना अनपढ़ गंवार नहीं हूं, हर चीजों का नॉलेज रखता हूं। पहले गाना के नीचे डेट देखो कि गाना किस डेट में रिलीज हुआ है और कब का गाया हुआ है। और मुझे तुम्हारे जैसे 50 चमचा गिरी और छाती फुलाने के लिए 50 को मक्खन वाली बातों की जरूरत नहीं है। मुझे 40 करोड़ 45 करोड़ भोजपुरी के लिए मैं सेवा करता हूं। मैं भोजपुरी भाषा के लिए दिन रात गाना बनाता हूं। मैं अपने दर्शकों के लिए मेहनत करता हूं। तुम स्पेशल 10 को ग्रुप बना बना बैठे हो, उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं। आइंदा से कोई भी सवाल मेरे पे उठाना तो मैं सोच समझ लेना, वो भी खास करके गीत संगीत में, क्योंकि गीत संगीत में ना आज नहीं आया हूं कि तुम हमको सिखा रहे हो। एक तो आज फादर्स डे है, ऐसे ही मूड थोड़ा सा ऑफ था। वो 40 करोड़ जो पिता है ना, उनका सम्मान है मेरे दिल में। मेरे को टारगेट करना बंद कर दो, खास करके गीत संगीत पे। ऐसे जो बोलना है बोलो आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं कि वो 20-25-30 लोगों का ग्रुप कौन चला रहे और कौन क्या है, सब पता है मुझे। लेकिन विवश मत करो मुझे बार बार बोलने पे। तुम लोग का ठीक है, तुम लोग को समोसा चटनी के लिए भोजन के लिए मिल रहा है पैसा, तो अपना राज भोगो, गाली देते चलो कलाकारों को। और अगर जात पात के गाना गाने पे बात को लेकर तुम लोग को बुरा लगा है तो भाई उसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोग जात पात पे गाइए, आप लोगों का नाम धर धर के गाइए, मुझे नहीं गाना है, मैं अपना जानता हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा, पूरे भोजपुरी जनता और 40 करोड़ जनता को, सभी के माँ बाप का सम्मान करते हुए फादर्स डे का सबको बधाई। थैंक यू सो मच।